नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान की। सच कहूँ तो बचपन में इश्क और अंदाज अपना अपना देखने में बड़ा मजा आता था, और ये भी कह सकते हैं कि हम लोग सब आमिर खान के फैन थे। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया और हम लोग बड़े हो गए, आमिर खान की मूवीज ने भी एक बड़ा यू टर्न ले लिया। और आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जो अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनका नाम बदनाम हो जाए। आमिर खान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आमिर खान कैसे एक परफेक्ट शांति धूर्त है। आप सबको तो पता ही होगा कि शांति धूर्त होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना है, नहीं तो आपकी समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी एक परफेक्ट शांति धूर्त बनने का एक चेकलिस्ट है, एंड आमिर खान चेक्स ऑल ऑफ देम। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है हिंदू लड़कियों को फंसाने का। सबको तो पता ही है कि आमिर खान ने बहुत ही कम उम्र में रीना दत्ता के साथ शादी की, लेकिन ठीक 16 साल बाद उनको कोई और पसंद आ गया, और वो भी एक हिंदू लड़की ही थी, किरण राव। और अब फिर से एग्जैक्टली 16 साल बाद उनको वो भी और पसंद नहीं आ रही है। अब अगला नंबर किसका है वो तो भगवान ही जाने। कम उम्र से ही आमिर खान को चॉकलेट हीरो कहा जाता था, और इसी चॉकलेट लुक्स की वजह से वो फीमेल ऑडियंस में काफी मशहूर थे, और हिंदू लड़कियां तो है ही सेक्युलर, इसीलिए इजीली उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन एटलीस्ट भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके घर से इनकी बीवियों का चलता फिरता अस्तित्व ही बाहर निकला है, सूटकेस में नहीं मिली। अब शादी से डायरेक्टली रिलेटेड है बच्चे। शांति धूर्तों का मिनिमम कोटा है कि 2 बीवियां और 4 बच्चे, तो इस मामले में हमारे जो आमिर खान है ये थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। अभी तक तो इनके 3 बच्चे हैं, इरा खान, जुनेद खान और आजाद राव खान। लेकिन फ्यूचर में संभावना है कि ये जो थोड़ा सा पीछे ये छूट गए हैं, इनको ये कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ शांतिप्रिय समुदाय। तीसरा पॉइंट, भारत में रहेंगे लेकिन भारत को ही बदनाम करेंगे। आमिर खान और किरण राव का वो कमेंट तो याद ही होगा ना, दैट दे वर फीलिंग इनसिक्योर टू स्टे इन इंडिया आफ्टर पीएम मोदी केम इनटू पावर। इन लोगों को लग रहा था कि जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है वो काफी इंटॉलरेंट बनती जा रही है, इसीलिए उनका यहाँ पे रहना शायद मुनासिब नहीं है। भाई साहब, अगर आप भारत छोड़ के किसी भी ऐसे कंट्री में चले जाएं जो कि पूरी तरह से इस्लामिक रूल के अंडर में हो, तो वहाँ आप लोगों का क्या हालत होगा वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। भारत ने आपको सुपरस्टार बनाया, भारत में आप हिंदू लड़कियों से मिले, उनसे शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बार पैसा परिचिति सब कुछ आपको मिली, लेकिन फिर भी आप भारत को ही बदनाम कर रहे हैं। भारत की माटी से आपको इतना कुछ मिलने के बाद भी आपको ये लगता है कि भारत और उसकी जनता असहिष्णु है। स्पिटिंग यानी कि थूकना। जब से कोरोना वायरस यहाँ पे आया है तब से हम लोग देख रहे हैं, खास तरह के लोग हैं वो हमेशा दूसरे लोगों पर, खाने पर, पैसों पर और दूसरी सामग्रियों पे थूकते ही रहते हैं, ताकि ये जो संक्रमण है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला सके। इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। लेकिन आई बेट कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये थूकना सिर्फ ये लोग कोरोना के लिए नहीं कर रहे हैं, थूकने की आदत इनकी बहुत पुरानी है। थूक एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू किसी भी तरह की बीमारी बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल हो सकती है, इसीलिए सालों सालों से ये लोग हर चीज पे थूकते ही रहते हैं। चाहे वो जितने भी अमीर हो जाए, जितने भी क्लासी हो जाए, जितने भी फेमस हो जाए, लेकिन ये थूकने की आदत ये नहीं छोड़ सकते हैं। और आमिर खान भी इनसे अलग नहीं है, आमिर खान को भी थूकने की आदत है, और वो भी स्पेशली अपनी जो फीमेल को स्टार्स हैं उन पर। अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आमिर खान एक जोक अपने हर फीमेल कोस्टार के साथ मारते हैं, वो ये है कि उनका हाथ पढ़ने के लिए उनका हाथ मांगते हैं और उसके बाद हाथ पे थूक देते हैं। लेकिन ये जो थूकने वाली बात है ये जूही चावला को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। शी वॉज वेरी एंग्री आफ्टर दिस,
और इश्क के शूटिंग के दौरान वो कुछ दिनों तक शूट पर भी नहीं आई थी और सालों तक उन्होंने आमिर खान से बात नहीं की। माधुरी दीक्षित के हाथ पे भी आमिर खान थूक चुके हैं दिल के शूटिंग के दौरान, और अभी भी जितनी भी एक्ट्रेसेस के साथ वो काम करते हैं उनके हाथों पर वो थूकते हैं। टारगेटिंग हिंदू गॉड्स, आमिर खान की पीके वाली मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि तब तक भी शायद बहुत लोगों को पता नहीं था कि इस मूवी में आखिर होने क्या वाला है, लेकिन देखने के बाद पता चला कि स्पेशली हमारे देवी देवताओं को इस मूवी में टारगेट किया गया है। अगर ये एक न्यूट्रल और सेक्युलर मूवी होती तो सिर्फ हिंदू गॉड्स को ही नहीं बाकी समुदाय के भगवानों को भी सेम तरह से क्रिटिसाइज किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है बॉलीवुड में। मिले तो संपर्क करें पीके। आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना साल्व कर रहे ना मिल रहे। हमेशा हमारे देवी देवताओं को इसी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सो इस क्राइटेरिया वाले चेकलिस्ट में आमिर खान इस पॉइंट को भी चेक करते हैं। ऑलवेज अराउजिंग कॉन्ट्रोवर्सी, यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करते रहते हैं और यही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में रहना कितना मुश्किल है, हमेशा उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हमेशा उन लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, हमेशा उनके राइट्स छीने जाते हैं। उनको ये कहना ही कहना है चाहे ये फैक्ट रियलिटी से कितना भी दूर क्यों ना हो। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNU, हमेशा इन स्पेशल समुदाय के लोगों को विक्टिमाइज और सिंपथाइज करते हैं। ये कहते हैं कि इनसे हर चीज छीन ली गई है, धरने पे बैठ जाते हैं, सरकार कुछ भी निर्णय हो उसके अगेंस्ट ये धरने पे बैठ जाते हैं बिना उस लॉस को स्टडी किए। और आमिर खान ने भी कुछ ऐसा ही किया था। आपको 2006 में NBA का इंसिडेंट तो पता ही होगा, नर्मदा रिवर पे डैम बनाने के अगेंस्ट में मेधा पाठक के साथ जाकर आमिर खान खड़े हो गए थे गुजरात में कि वो डैम बनाने नहीं देंगे, और उसी वक्त उनकी मूवी फना रिलीज हुई थी। तो गुजरात के ऑडियंस ने उनको करारा जवाब दिया था कि उस मूवी को वहां पे रिलीज ही होने नहीं दिया। तो यहाँ पे अपनी मूवी को हिट कराने के लिए जो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी उस पे इनको ही बैकलैश मिला। कहा जाता है कि फना के लिए आमिर खान को यश चोपड़ा को कुछ पैसे वापस देने पड़े बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट इन गुजरात। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो शांति प्रिय समुदाय है इनका एक कॉमन बिहेवियरल कंपोनेंट है, वो है अग्रेशन। किसी ना किसी जगह पे इनको अपना अग्रेशन दिखाना ही पड़ता है, चाहे वो अपनी बीवियों पे हो, बच्चों पे हो, घर वालों पे हो, या फिर दूसरे राह चलते लोगों पर। सो आमिर खान जो अपना अग्रेशन है वो अपने भाई पे उतारते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि मेला मूवी में हम उनके भाई फैजल खान को उनके साथ देखे थे, लेकिन उसके बाद से वो गायब थे इंडस्ट्री से। एक्चुअली में ये पता चला है कि आमिर खान की फैमिली ने उनको अपने ही घर में नजरबंद करके रखा था, उनको मजबूर भी किया जा रहा था ताकि वो अपनी जो सिग्नेटरी राइट्स है वो आमिर खान के नाम पर कर दें। ऐसा भी हुआ है कि फैजल खान को अपने ही घर से निकल के भागना पड़ा, लेकिन फिर भी आमिर खान पुलिस में खबर देके उनको वापस ले आए। जबरदस्ती हॉस्पिटल भी भेजा गया उनके मेंटल इवैल्यूएशन के लिए, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद पता चला दैट ही इज मेंटली साउंड एंड स्टेबल। तब जाके आमिर खान के हाथ से उनको छुटकारा मिला, और अभी फैजल खान अपनी खुद की मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी अभी ये सारी खबर भी एक साथ बाहर आ रही है। तो हम लोग को ये समझना है कि ये जो फैजल खान की कहानी है क्या ये सच में सही है, या फिर ये भी आमिर खान की ही एक नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश है ताकि फैजल खान की मूवी हिट हो जाए। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये लोग अपनी मूवी को हिट कराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये भाई भाई के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है, या फिर सच में आमिर खान ने अपने ही भाई पर अत्याचार किया था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप नर्स का चैनल खुल चुका है तो वहाँ पे जाइए, हमारे नए वीडियोस को चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।